राजस्थान में पुलवामा हमले के शहीदों के वीरांगनाओं का और उनके परिवारों की तरफ से नौकरी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था, लेकिन राजस्थान सरकार ने जिस तरह से उसे उठाया वो अपमान, इसका बीजेपी कड़े शब्दों में विरोध करती है। ये कहना है बीजेपी के उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा का। उन्होंने कहा कि वीरांगनाओं के साथ जिस प्रकार की वत्सलूकी हो रही है वो कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। राहुल गांधी ने हर बार भारतीय सेना पर प्रश्न उठाया है और अपमानित किया है, यही मानसिकता राजस्थान सरकार दिखा रही है। बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट सुभाष शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, पुलवामा हमले की अगर बात करें और उनके जो शहीदों की पत्नियां हैं वो लगातार धरने पर बैठी हुई थी कि उनके परिजनों को नौकरी दी जाए, लेकिन गहलोत सरकार की तरफ से मांग तो नहीं मानी गई, लेकिन आपके बीजेपी के सांसद जो धरने पर बैठे थे उनके भी कपड़े फाड़ दिए गए हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा ही देश के जो शहीद हैं, देश के जो सैनिक हैं, उनका अपमान करने का ही काम किया है। एक परिवार के अलावा उनको देश में कुछ दिखता नहीं है, और जिस प्रकार का व्यवहार आज राजस्थान की सरकार ने और वहाँ की पुलिस ने शहीदों की पत्नियों के साथ किया है और जो लोग उनके समर्थन में बैठे थे उनके साथ किया, बहुत ही निंदाजनक है, और ये कांग्रेस के चरित्र को और कांग्रेस के चेहरे को उजागर करता है कि उनके नेता जो हैं वो चीन के गोदी में जिस तरह से बैठे हैं तो उनका देश के सैनिकों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, इससे पता चल जाता है। अगर हम अशोक गहलोत जी की बात करें, मुखिया हैं राजस्थान के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने भी बात की है, उनका कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं गलत मैसेज पहुंचा रही है और इस तरीके से परिजनों को नौकरी नहीं दी जा सकती है। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्यों नौकरी नहीं दे सकते। हमारे पंजाब में या बहुत सारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इस प्रकार नौकरी दे रही हैं। आप अपने चहेतों को नौकरियां बांट सकते हैं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नौकरियां बांट सकते हैं, तो शहीदों के परिवारों को अगर कोई नौकरी देने की बात आती है तो पीछे क्यों हट जाते हैं? और मान लो आप नहीं भी दे सकते हैं तो कम से कम जिस प्रकार का व्यवहार वहाँ किया जा रहा है पुलिस के द्वारा उसको तो रोका जा सकता है, थोड़ी तो संवेदनशीलता जो है वो दिखानी चाहिए शहीदों के परिवारों के प्रति। क्या लगता है सर, भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी राहुल गांधी जी की तरफ से, तो इस तरीके से नहीं, कांग्रेस तो देखो हमेशा देश को तोड़ने वाली रही है, कांग्रेस का इतिहास देश को तोड़ने वाला है। भारत का बंटवारा किसने किया? कांग्रेस ने। 370 लगाकर इतने साल कश्मीर को भारत से एक तरह से अलग करके रखने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। पंजाब में अंदर अलगाववाद की आग किसने भड़काई? कांग्रेस ने। कांग्रेस तो हमेशा देश को तोड़ने की भाषा बोलती है, देश को कभी जोड़ने की बात सोच ही नहीं सकते, वो हमेशा देश को बांट के रखना चाहते हैं जाति के नाम पे, पंथ के नाम पे, भाषा के नाम पे। तो कांग्रेस तो देश तोड़ो पार्टी है, उससे जोड़ने की उम्मीद ना कभी हमें थी ना है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। पुलवामा हमले के शहीदों के जो वीरांगनाएं हैं, जो पत्नियां हैं, जिस तरीके से धरने पर बैठी थी, परिजन उनके धरने पर बैठे हुए थे जयपुर में, लेकिन उन्हें जिस तरीके से उठाया गया, और इसके अलावा बीजेपी के सांसद हैं किरोड़ी लाल मीना, उनके साथ जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता की है उसका हर कहीं देश भर में विरोध किया जा रहा है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।